खबर भीलवाड़ा से है, जहां कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच बढ़ती मुनाफाखोरी को देखते हुए जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भट्ट ने आदेश दिए हैं कि मुनाफाखोरी करने वाले व्यापारियों का सारा माल जब्त करके उसे उपभोक्ता भंडार को सौंप दिया जाए। भट्ट ने यह भी कहा कि जहां आज मानवता दिखाने का समय है, तो वहीं कुछ लोग इसे अपना व्यवसाय आज बना रहे हैं। आपको बता दें कि भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 25 हो गई है। इस दौरान आमजन को राशन मुहैया कराने के दौरान दुकानदारों की ओर से कालाबाजारी करने के कई मामले सामने आए। इसके बाद में जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश अब जारी कर दिए हैं। कुछ शिकायतें आ रही हैं कि होलसेलर्स अधिक राशि पे, मतलब अधिक मुनाफा जोड़ के रिटेलर्स को माल दे रहे हैं, तो उससे जो रिटेलर ग्राहक को बेचता है उसके अंदर भाव बढ़ा हुआ लगता है और ग्राहक को लगता है कि रिटेलर द्वारा ये रेट बढ़ाकर माल दिया जा रहा है। ये जिन भी होलसेलर्स की ये मेरे पास खबर आएगी कि उनके द्वारा रेट बढ़ाकर, रेट हाइक कर माल रिटेलर्स को दिया जा रहा है, उन सबका माल जब्त कर उपभोक्ता भंडार को सीज करके दिया जाएगा ताकि उपभोक्ता भंडार के माध्यम से वो माल का वितरण हो। महामारी का